अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्दी एंड टेस्टी बादाम शेक रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले लिया है 2 टेबल स्पून, बादाम ले लिए हैं 25 से 30, अमूल दूध, बादाम को मैंने भिगा दिया था 1 घंटा पहले। तो अमूल हम यहाँ पर दूध ना एक पैन में ऐड कर लेंगे, और जब दूध मेरा वार्म हो जाएगा ना तो मैं 1 कटोरी के करीब दूध बाहर निकाल लूँगी। तो यहाँ पर दूध मेरा वार्म हो चुका था तो मैंने 1 कटोरी के करीब इसमें दूध निकाल लिया था, क्योंकि मुझे वार्म मिल्क चाहिए था बादाम का पेस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ बादाम को मैंने छील लिया है अच्छे से, और इसे एक मिक्सर जार में ऐड करेंगे और आधा दूध ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर बॉईल आ चुका है दूध में मेरा अच्छा सा। तो यहाँ ना हम चीनी ऐड करेंगे, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पेस्ट मेरा बन चुका है गाइस, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो बस ये बचा हुआ दूध मैं कस्टर्ड में ऐड कर दूँगी। ध्यान रखिएगा, कस्टर्ड में ऐड करने के लिए हमें दूध को थोड़ा ठंडा रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए बॉईल अच्छे से आ गया है, चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है दूध में। तो अब हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे और इसको हम फुल फ्लेम कर देंगे यहाँ पर, और अच्छे से पका लेंगे। सो कस्टर्ड को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम बादाम का पेस्ट ऐड कर देंगे अपना, और इसे आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो आधे घंटे बाद देखिए दूध की क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है मेरी, और दूध गाढ़ा भी हो गया है, गढ़ चुका है अच्छे से। तो यहाँ मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी और इसे हम अब ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद इस बॉटल में ऐड कर देंगे। बॉटल में मैंने इसलिए ऐड किया था कि थोड़ा ना मार्केट वाला लुक आए। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।